आदहिदं कादवं जदि सक्कदि परहिदं पिकादवं आदहिद परहिदादो आदहिदं सुठुकादवं। इसका हिंदी पद्यानुवाद आत्मा का हित करो यदि शक्य हो परहित करो, किंतु दोनों में सदा ही आत्महित पर जोर दो। फिर से आत्मा का हित करो यदि शक्य हो परहित करो, किंतु दोनों में सदा ही आत्महित पर जोर दो। जिनवाणी माता का, सभी तीर्थंकरों का, आचार्य भगवंतों का, आप समझ लो ये आपको दीपावली का गिफ्ट है। इतना सुंदर उपहार हमारे यहाँ सब ग्रंथों के नाम गिफ्ट ही है। पाहुड़, पाहुड़ माने क्या होता है, गिफ्ट। तो ये सब दीपावली का उपहार है। क्या कहते हैं, बड़ा ही वैज्ञानिक, व्यावहारिक, सरल, सुबोध, युक्ति संगत, कल्याणकारी सलाह है ये। ऐसी सलाह हर कोई नहीं दे सकता, ऐसी उत्तम सलाह जिनवाणी माता ही दे सकती है। और इसकी भी कहानी है पर अभी रोक लेता हूँ। हमने अनेक प्रकार से, अनेक तर्कों से अभी तक ये स्थापित किया कि हमको पूरी दुनिया के चेतन अचेतन सब पदार्थों की चिंता छोड़कर पूरी तरह अपना फोकस अपने ऊपर करना है। मुझे श्रीमद् रायचंद्र जी का भी एक वाक्य बहुत प्रिय है। उनका शरीर तो आप जानते ही हैं, ऊपर है, यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है। तो एक दफे किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या दशा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पास दो बगीचे हैं मगर पानी इतना है कि एक ही को हरा भरा रखा जा सके, दोनों को रखना पॉसिबल नहीं है। अब मैंने पिछले अनेक जन्मों में वो सारा पानी शरीर रूपी बगीचे में दे देकर उसको खूब हरा भरा रखा। ऐसा मैंने कई जन्मों में किया, इसलिए मैंने निर्णय किया है, इस बार मैंने डिसाइड किया है कि अब इस बार सारा पानी आत्मा के बगीचे में दूंगा, वो दे रहा हूँ, सो ये शरीर रूपी बगीचा तुमको थोड़ा सुखाई देता है। नए साल का रिजोल्यूशन, कल से नए साल शुरू हो रहा है ना, तो नए साल का कोई तो संकल्प लो। भाई साहब कह रहे थे आज मेरा भी जन्म हो गया, सेठ जी का जन्म हुआ ना। देखो भाई, जिनवाणी समझ में आने लगे, स्वाध्याय में मन लगे, तो समझो जन्म हुआ, नहीं तो कितने जन्म हुए और गए, कितने दिन बीत गए, ऐसे ही बीते जाते हैं।
जो उम्र यूं ही चली गई विषय कसायों में वो क्या गिनना, जो उम्र धर्म ध्यान में लगी वही गिनने लायक है। कैसा चिंतन है, ऐसा हमारा चिंतन होना चाहिए। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ाना जरूरी है, समय कम है, इसलिए बात आगे बढ़ाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि अब हमारे माथे कोई भार नहीं। जिनके माथे भार वो सोचो, हमारे माथे तो कोई भार नहीं। हमको तो ये जन्म, जैसे हमारे गुरुदेव श्री हमारे लिए आदर्श है ना, बहुत बड़े आदर्श है। इतना बड़ा आदर्श पाकर भी यदि हम कुछ नहीं सीख सके तो अब और किसकी इंतजार है भाई। कैसी भावना। मुझे एक वाक्य बहुत प्रिय गुरुदेव श्री का प्राय प्रतिदिन याद आता है, ये भव भव का अभाव करने के लिए मिला है, किसी को राजी करने के लिए, किसी का मत पोषण करने के लिए मिला नहीं है। ये मेरी लाइफ है ना, अगर गलत सोच लूंगा, गलत जान लूंगा तो आप सबका बुरा नहीं होगा। मैं कह दूंगा वो देवलाली में सब मानते थे सो मैं भी मान लिया, ऐसे नहीं चलने वाला। ये मेरा जीवन है, ये भव भव के अभाव के लिए मिला है, किसी को राजी करने के लिए नहीं मिला, किसी का मत पोषण करने के लिए नहीं मिला। तो हमको पहले ये निर्णय करना है कि हम परहित नहीं कर सकते हैं। हमको पूरा काम, हमारे पास समय कम है, शक्ति कम है, काल भी विषम है, हमारी क्षमता भी बड़े 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 तीर्थंकर आदि इस दुनिया को नहीं सुधार सके। तो हम क्या, लोगों ने जगत उद्धार के बीड़े उठा रखे हैं, माथे पर बोझ ले रखा है, तरह तरह परेशान रहते रात और दिन। सो अब सारा बोझा उतार के शांति से ये जो बिजली की चमक जैसा मनुष्य जीवन, जो चक्रवर्ती की संपदा, सौधर्म इंद्र के वैभव से भी ज्यादा जिसका कीमती एक एक दिन है, ऐसा हमारे पास टाइम को अगर हम आत्महित में लगाएंगे तो आत्महित संभव है, और नहीं तो इधर उधर तो तेजी से भागा जाता है। दिन पर दिन बीत जाते हैं, दिवाली पर दिवाली आ जाती है ना, फिर दिवाली आ गई, पिछले साल तो गई थी, फिर आ जाएगी, क्या है। इसलिए हमको बहुत गंभीरता पूर्वक हमें आत्महित का संकल्प करना चाहिए। आत्महित करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है, ये तो ऐसे ही चलती आई है दुनिया, सिंहासन की छीना झपटी, तलवारों की भाषा, ये तो अनादिकाल से चलती आई, अनंत काल तक चलना है। ये तो राज्य का स्वरूप है ऐसा ही, ये दुनिया तो ऐसी ही है। जन्माटवीसु कुटिलासु विनष्ट मार्गान, आचार्यों ने लिखा कि ये संसार तो अटवी के समान, कुटिल अटवी के समान है। ये मनुष्य अहंकार करता है कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, प्रशासन कर रहा हूँ, पर वास्तव में कोई प्रशासन व्यवस्था कुछ परमार्थ से हो सकती नहीं है। सब ऐसे ही चलते आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। जब जैसा स्वरूप है वैसा वैसा होता रहता है। इसलिए कहीं भी
दो मिनट भी अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। और कभी इस भ्रम में भी नहीं आना कि कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं देखो मैं कितना अच्छा रहा, देवलाली आ गया, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं तीन, वो देखो वो नहीं आया। देखो हम जो नहीं आया उसको याद कर करके वो कैसा है, वो नहीं सुधरता, वो भैया कब कौन सुधर जाएगा पता नहीं है। बड़े से बड़े पापी जीव को पलटते पल भर नहीं लगती है और हम धरे रह जाते हैं। हमारा ध्यान वहाँ क्यों जाए, हमारा ध्यान वहाँ क्यों जाए। दो दोस्त थे, एक कहने लगा मंदिर चलते हैं, पंडित जी आए हैं प्रवचन सुनेंगे। दूसरा कहने लगा नहीं सिनेमा देखने चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी आई है। आखिरकार दोनों एक मत नहीं हुए और एक मंदिर चला गया, एक सिनेमा चला गया। जो सिनेमा चला गया वो सोच रहा है मैं फालतू ही आया, ये तो बेकार कुछ नहीं, कितना वो तो प्रवचन सुन रहा होगा, कितना अच्छे अच्छे भेद विज्ञान का अभ्यास करता होगा, मैं कैसा पापी यहाँ आया, वहाँ देखो वो कितना। और वो जो प्रवचन सुन रहा था प्रवचन में बैठा था। तो ऐसी भूल भी ना हो जाए, अब किसी को मत देखो, हम आगे वो पीछे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कौन आगे हो जाएगा कब, बड़े बड़े पापी पल भर में आगे निकल जाते हैं और धरे रहने वाले रह जाते हैं। इसलिए हम सर्व विकल्पों को त्याग कर आत्महित की तरफ पूरा पूरा अपना ध्यान दें। और अगला स्टेप अब हम चढ़ रहे थे कि आत्महित कैसे करें। ये तो हमने पहले ये निर्णय करना जरूरी है कि परहित नहीं करना है, आत्महित करना है। और अब अगली बात है कि आत्महित कैसे करें। तो मैंने एक बात ये जोड़ देकर कहना चाहिए थी, हालांकि वो मैं और भी जोड़ देकर कहना चाहता हूँ और बहुत थोड़ा विस्तार के साथ कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत विस्तार से कई दफ़े कहा है, खूब लिखा है, खूब सोचा है, और वो पॉइंट ये है कि आत्मा को वैज्ञानिक तरीके से, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, स्वाध्याय से, ईमानदारी से जानो। उसे जानना जरूरी है। आत्मा का स्वरूप क्या, इस बात पर ईमानदारी से रिसर्च करना जरूरी है, थोड़ी मेहनत करना जरूरी है। अब ये बात थोड़ी सी अपने कमर कसने जैसी जरूरी है। देखो खुद कमर कसनी पड़ेगी, ये समझ लो, अपना हाथ जगन्नाथ है। हम मेहनत करेंगे तब काम चलने वाला है, ढीले पोले रहने से काम चलने वाला नहीं है। आपको हम थोड़ी साइंटिस्ट है, हम थोड़ी इतने बुद्धिमान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास में दुनिया में लगाने के लिए तो बहुत छह उपशम है। इधर रुचि नहीं है, इधर रुचि करो। हम जानते हो आप, जैन धर्म का एक नाम है श्रमण, जैन धर्म के अनेक नाम है, पता है आपको। जैन धर्म का एक नाम निर्ग्रंथ दर्शन भी है। पुराने देखो, वेद उपनिषद पुराना साहित्य लिटरेचर उठा के देखो तो जैनों को क्या क्या, तो ये नाम तो बहुत सुनना चाहिए आपको, श्रमण दर्शन। श्रमण दर्शन माने जैन दर्शन। जैन दर्शन का प्राचीन नाम
श्रमण दर्शन है। श्रमण दर्शन माने जो श्रम को महत्व देता है। दुनिया भगवान को, भाग्य को, वो जो करेगा उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, उसके बिना ये नहीं हो। पर जैन दर्शन पुरुषार्थवादी दर्शन है, ये पुरुषार्थ को महत्व देता है। श्रमण संस्कृति के उपासक होकर यदि हम श्रम से जी चुराएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए खूब स्वाध्याय करना चाहिए। और इसमें भी देखो, गुरुदेव श्री कितने हमारे लिए आदर्श है। कितना स्वाध्याय किया, जीवन भर कहाँ ध्यान दिया, कहाँ फोकस किया उन्होंने, उन्होंने कैसे कैसे कितने ग्रंथों के कोई ग्रंथ छोड़ा होगा? उनकी अलमारी देखो कैसे पेंसिलों से। मैंने तो आंखों देखने का सौभाग्य मिला मुझे, यहाँ कंधे पे हाथ रख के चले, कैसे कितना प्यार से, कितना वात्सल्य देकर उन्होंने हमको सुनाया। एक महीने तो मैं उनके साथ रहा लगातार। कैसा महापुरुष, कितना स्वाध्याय करते थे, कितने पवित्र मन से करते थे। स्वाध्याय दूसरे को दिखाने के लिए करते थे? हम जरा मंदिर आए, आज तो मंदिर में कोई था ही नहीं, अरे किसको देखने गए थे भाई साहब? नहीं, मंदिर दर्शन करने आते हैं, वो कहते आज तो कोई था ही नहीं मंदिर में। मैंने कहा और किसको देखने गए थे तुम? जिसके दर्शन करने गए थे वो थे कि नहीं थे? तुमको क्यों कष्ट हो रहा है कि और कोई नहीं मिला? तो मन को बहुत पवित्र करने की जरूरत है। बहुत पवित्र मन से, ईमानदारी से, एक वैज्ञानिक की तरह, मैं जोर दे रहा हूं आपको, तर्क से, युक्ति से। जैन दर्शन में न्याय बहुत बड़ी चीज है, उस पर सब जानते हैं, मैं तो न्याय खूब पढ़ाता हूं। तो न्याय से, तर्क से, युक्ति से आत्मा का स्वरूप तय करो। उसके बारे में दुनिया में बहुत भ्रांति चलती है, उनको सुनकर आपको जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं। आप जब स्वयं निर्णय करोगे तब ऐसा होगा। औरों के देखा देखी नहीं, कुल अपेक्षा नहीं, कितने अपेक्षा नहीं 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 नहीं, सब लिखा ने सातवें अधिकार में। और फिर लिखा परीक्षा रहित, आज्ञानुसारी भी नहीं। परीक्षा रहित, आज्ञानुसारी भी नहीं। खुद परीक्षा करो एक एक पॉइंट पर, आत्मा के स्वरूप पर क्या क्या पॉइंट है लिखो, और उस पर बहुत शांति से चिंतन करो, तर्क करो, युक्ति से विचार करो। नहीं समझ में आई तो पूछो, शास्त्र पढ़ो, तब जाके निर्णय होगा। अभी एक दिन की बात है, एक आदमी ने मेरे से कहा शरीर ही आत्मा है, शरीर के अलावा आत्मा कुछ नहीं। तो मैंने उनसे कहा आप तो डॉक्टर है ना? बोले हाँ। बोले मैं मेडिकल, हमारे एम्स में डॉक्टर। हमने कहा आप तो डॉक्टर है? बोले हाँ डॉक्टर हूँ। तो मैंने कहा आजकल तो इतनी सुविधा, आजकल तो विज्ञान, मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि अभी अगर विपुल भाई मुझे वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कर दे एक महीना, तो धीरे धीरे मेरा ये पूरा शरीर बदल देंगे, सब बदल देंगे, आँख नाक किडनी हार्ट पूरा पूरी स्किन हटा के दूसरी स्किन लगा देंगे, सब सब कुछ टोटल चेंज कर देंगे। एक महीने के अंदर एक परमाणु इस शरीर का नहीं बचेगा, पूरे दूसरे परमाणु आ जाएंगे।
और फिर मुझे यहां बिठाना, फिर सुनाऊंगा आदहिदम कादवम जदि सकदि परहिदम पिकादवम। यदि शरीर आत्मा होता, यदि शरीर आत्मा होता तो ये तो सारा गया, पुराने शरीर का एक परमाणु नहीं बचा, और फिर भी ज्ञान वही, मैं पहचान जाऊंगा कौन 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 है। ये क्या, ये कैसे, इससे सिद्ध होता है कि शरीर आत्मा नहीं है। ऐसे तर्क से, युक्ति से मैंने बहुत हजारों घंटे सोचा है, चिंतन किया है, समझा है बात को। आपको भी आत्मा का स्वरूप भली भांति समझना है, वैज्ञानिक की तरह। मैं कहता रहता हूँ ना, वैज्ञानिक साइंस कैसे पढ़ते हैं, साइंस का पहला पाठ है कि सही बात सही है चाहे दुश्मन बोले, और गलत बात गलत है चाहे हमारा बाप बोले। और कोई भी बात परीक्षा करके मानना, अगर टीचर ने कहा कि H2O बराबर वाटर तो ऐसे नहीं मानना, लेबोरेटरी में जाना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को परख नली में डालना, मिलाना, फिर जब वो पानी बन जाए तब बोलना हाँ ओके। ऐसा जैन धर्म है, ये पोपावाई का राज, ये अंधविश्वास नहीं है। अगर आपको ये अवसर, जो इतनी रुचि आपको जगी गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, इतनी जो भावना, देखो सब लोग कैसे, आप सब लोग बहुत प्यार से सुनते हो, मेरा इतना मन करता है क्या करूं बताओ, कैसे करूं। सब लोग बहुत प्रेम से सुन रहे, सब रुचि लेके कहाँ कहाँ से निकल कर आए। अब संकल्प करो, एक अगर यहाँ कोई एक भी ऐसा बैठा हो जो नित्य स्वाध्याय नहीं करता हो, तो इस दिवाली देवलाली में संकल्प लेके जाओ कि मैं एक भी दिन बिना स्वाध्याय के नहीं रहूँगा। इससे बढ़िया दिवाली कोई नहीं हो सकती। मेरे से पूछो तो मैं सबसे बढ़िया बात ये कहूंगा कि एक तो रोज स्वाध्याय करो, और जो एक घंटा करता हो वो डेढ़ कर दो, जो डेढ़ करता हो दो कर दो, दो वाले तीन कर दो, तीन वाले चार कर दो, चार वाले पांच कर दो, पांच वाले छह कर दो, बढ़ाओ। 24 घंटे स्वाध्याय करने की आदत डालो, ये इसका महत्व समझो, इसकी महिमा जानो। आज ये अवसर ऐसे ही नहीं आया है। स्वाध्याय करने से ऐसा लिखा है मूलाचार में, विनयेण सुदमदीदम जम किम विपमादेण होदि विसरिदम तो पर भवे उवट्ठदि केवलनाणम च आवहदि। के जो व्यक्ति प्रीति पूर्वक स्वाध्याय करता है वो कुछ ना भी समझे तो उसके उस काल असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है, और भले वो कुछ ना समझे, जो थोड़ा बहुत समझे वो भी थोड़ी देर में भूल जाए भले, लेकिन चिंता की बात नहीं है। यदि वो प्रीति पूर्वक स्वाध्याय करता रहेगा तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस भव में नहीं अगले भव में, वो नियम से श्रुत केवली या केवली बनेगा। ऐसे लिखा है, मूल गाथा में लिखा है। इसलिए स्वाध्याय जरूर से जरूर करना, रोज करना।
व्यवस्थित ढंग से करना। ग्रंथ को शुरू से अंत तक पढ़ना, कुछ थोड़ा बहुत याद भी करना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ने का। यहाँ ऐसे नहीं है कथा सुनी और पार हो जाओगे, ऐसे तो कहते बस कथा सुन लो तिर जाओगे, यहाँ ऐसे नहीं है। समझना जरूरी है तो करके काम चलेगा। स्वाध्याय का महत्व हृदय में, अरे आज सब अनुकूलताएं मिली है। मेरे घर के नीचे एक सब्जी वाला सब्जी बेचता है, तो वो मैं देखता हूं कि वो सुबह सब्जी मंडी, हमारे घर से बहुत 10-15 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी है, वो सब्जी मंडी में जाके सब्जी लेके सुबह 6 बजे सब्जी की दुकान लगा लेता है और रात 9 बजे 10 बजे तक सब्जी बेचता है। मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे पास भी दाल रोटी का इंतजाम नहीं होता, मैं गरीब होता, दाने दाने को कुछ दिक्कत होती, तो मैं भी कहीं ऐसे ही कुछ मजदूरी करता कि नहीं। लाखों मजदूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने मजदूर सुबह निकलते 5 बजे रात 10-10 बजे तक घर में घुसते 12-12 बजे तक करते हैं ना। आज हमें किसी भाग्य से, पूर्व पुण्य से अनुकूलता मिली है, हमें वैसी जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है क्या हम तान खूंटी सोते रहे? अरे वो 3 बजे उठ के सब्जी मंडी जाता है, हमें तो सिर्फ शांति से उठ के स्विच ऑन करके स्वाध्याय शुरू करना है यहीं बैठे बैठे, वो भी नहीं कर सकते हम। क्या हो गया हमको? हमारे पास एक स्टडी रूम होना चाहिए, हमारे पास एक स्टडी टेबल होना चाहिए, उस पर 2 अच्छे पेन, कॉपी, डायरी होना चाहिए, उस पर नोट करो, बैठो जम करके तैयारी करो, क्या पढ़ा, कंपेरेटिव स्टडी करो। तब ये बताओ आप सबको भी, क्या मेरे को ही शास्त्री आचार्य करना जरूरी था? आपको करना जरूरी नहीं है? आपको छूट लेके आए हो वहां से, ऊपर से आपको भी करना था ना, तो नहीं किया तो कुछ तो करो। अरे हमने किया है तो हमें पता है कितना आनंद आता है, यहां से अमृत झड़ता रहता है दिन भर। वो पढ़ा है जब ना, पढ़ोगे जब पता चलेगा। जो स्वाध्याय नहीं करता उसके पास कितना भी कुछ हो मैं उसे कंगाल मानता हूं, और जो स्वाध्याय करता है वो कितना भी गरीब हो मैं उसे माला माल मानता हूं। बहुत स्वाध्याय की अपरंपार महिमा है, इसी से ज्ञान मिलता है। और आत्मा का हित कैसे करे? आत्मा का हित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आत्मा का हित करने के लिए सम्यक दर्शन करना है, सम्यक ज्ञान करना है, सम्यक चारित्र करना है। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गाड़ी नए स्टेप पे जा रही है, अब और एक स्टेप ले रहा हूँ। आत्मा का हित करने के लिए क्या करना है? जिनवाणी क्या कह रही है कि हमको 3 काम करने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 3 किए बिना आज तक किसी का आत्मा का हित हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। हमें भी 3 काम करने हैं, तो ये 3 काम कैसे करें? बोले देखो ये ऐसी पोजीशन है कि जैसे अनार होता है ना,
तो उसमें कभी कभी एकाध दाना खराब हो जाता है। ऐसे ही आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, सारे गुण ठीक है, तीन में डिफेक्ट आ गया। जैसे अनार का दाना पूरा ठीक है, अनार पूरा ठीक है, पर एक जगह तीन दाने खराब हो गए हैं। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, सब ठीक है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व प्रदेय, इनमें कोई कोई जरा सी भी कोई गड़बड़, इनमें कोई विकार नहीं हुआ, तीन में गड़बड़ हुई है, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, तीन गुणों में विकार हुआ है। और अनार के तो तीन दाने खराब हो जाए तो आप निकाल के फेंक दो। अब यहां तो निकाल के फेंकने का वो सिस्टम यहां नहीं चलना है, यहां आपको ठीक करना है। तो कैसे ठीक करें? कि श्रद्धा विपरीत है उसे ठीक करो, ज्ञान विपरीत है उसे ठीक करो, चारित्र विपरीत है उसे ठीक करो। तो हमने पूछा आचार्य देव से कि महाराज श्रद्धा कैसे उल्टी है हमारी, तो हम कैसे सीधी करें, श्रद्धा कैसे सीधी करें? श्रद्धा सीधी करो, श्रद्धा सीधी करो, श्रद्धा सीधी करो, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व, उल्टी मान, तो सीधी कैसे करें? श्रद्धा कोई कटोरी है ऐसे पलट दे, श्रद्धा सीधी करो। कैसे सीधी करें? श्रद्धा को सीधा करने का तरीका बताओ। तब उन्होंने क्या बताया वो सुनो। उन्होंने कहा कि यद्यपि तुमको ये तीन ठीक करने हैं, श्रद्धा भी ज्ञान भी और चारित्र भी, लेकिन सुनो, हमने तीन में ज्ञान को बीचों बीच रखा है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा आई तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यहां पर ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया आचार्यों ने, सुनो ध्यान से, कहा मध्यमणि न्याय से ज्ञान को बीच में क्यों रखा। अब इस पे ध्यान देना आप सब जरा, ज्ञान, क्योंकि ज्यादा डिटेल करने का समय मुझे नहीं है, आप ध्यान देना, ज्ञान को बीच में क्यों रखा मध्यमणि न्याय से। मध्यमणि न्याय क्या होता है कि जैसे समझ लो मैंने कोई हार पहना, तो जो सबसे बड़ा मोती होगा, सबसे कीमती होगा, ज्यादा सुंदर चमकदार लॉकेट होगा, वो कहां लगाऊंगा? वो बीच में, वो बीचो बीच। ऐसे ही बोले ज्ञान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए ज्ञान को बीच में रखा। ज्ञान कंट्रोलर है श्रद्धा का भी और चारित्र का भी। तुम तो ज्ञान ठीक करो, श्रद्धा भी ठीक हो जाएगी और चारित्र भी ठीक हो जाएगा। ये तरीका तो समझो, ज्ञान ठीक करना, श्रद्धा ठीक करनी है, कैसे ठीक करनी है? अरे जब तक तुम सही जानोगे नहीं तो जबरदस्ती ठीक होगी, मैं गलत जानता रहूं, नहीं नहीं जानना है तुझे, शरीर मेरा नहीं है, मान मान, मानता नहीं है, मान, ऐसे कैसे माने, ऐसे नहीं मानेगा। तुम सही जानो, सही जानेगा तो गारंटी से सही मानेगा। मिथ्या दर्शन का देखो, हमें श्रद्धा पलटनी है और वो महत्वपूर्ण है, वो मोक्ष मैल की पहली सीढ़ी है, सब कुछ है, मगर उस श्रद्धा को बदलने का पुरुषार्थ
श्रद्धा में नहीं होता, ज्ञान में होता है। चारित्र को बदलने का पुरुषार्थ चारित्र में नहीं होता, ज्ञान में होता है। पुरुषार्थ का अगर देखो, इस किताब पे छाया आ रही है, ये मेरे अभी छाया को हटाना हो तो क्या करना, ये छाया छाया के डंडा मारे, ब्लेड से घिसे, क्या करे? छाया हटानी है, मगर छाया हटाने का पुरुषार्थ छाया में नहीं होगा, हाथ में होगा। हाथ हटेगा तो छाया ऑटोमेटिकली हटेगी। ज्ञान ठीक होगा तो श्रद्धा ऑटोमेटिकली ठीक होगी। समझो तो सही, ज्ञान को बीच में क्यों रखा? यदि बिना ज्ञान की श्रद्धा हुई तो अंधश्रद्धा कहलाएगी, और यदि बिना ज्ञान का चारित्र हुआ तो पाखंड कहलाएगा, बाल तप कहलाएगा। ज्ञान ही वो तत्व है जो श्रद्धा को भी संभालता है, चारित्र को भी संभालता है, दोनों को सम्यक करने वाली चीज ज्ञान है। बीच में रखा, बीच में क्यों रखा? एक उदाहरण दूं आपको, जैसे समझ लो मुझे अपने दो छोटे बच्चों को रोड पार कराना है, दो छोटे बच्चे हैं उनको रोड पार कराना है, कैसे कराएंगे? एक को इस हाथ से पकड़ेंगे, एक को इस हाथ से पकड़ेंगे और तब पार करेंगे। ऐसे नहीं एक तरफ दोनों नहीं छोड़ देंगे, तू पकड़ ले उसको, वो मूर्ख कहलाएगा, एक्सीडेंट कराएगा। ताकि मैं दोनों को संभाल सकूं तो श्रद्धा और चारित्र को संभालने वाला ज्ञान है, और ऐसा यह ज्ञान ईमानदारी से, पवित्र मन से, वैज्ञानिक ढंग से निरंतर स्वाध्याय करने वालों को प्राप्त होता है। इसलिए लाख काम छोड़ करके स्वाध्याय नित्य करना, घर में बेटी की शादी हो उस दिन भी नहीं छोड़ना। यही तो चक्कर है, सम्यक नहीं हुआ बहुत, देखो ईमानदारी से नहीं समझा, ऊपर ऊपर से रट लिया। उसने 11 अंग 9 पूर्व किताब समयसार की गाथाएं पढ़ ली, याद हो गई। याद होना न्यारी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं H2O वाटर का उदाहरण क्यों दिया? परख नली में जाके देखा, खुद परीक्षा की, दिन में कितना बढ़िया सुना रहे थे भाई साहब हेमचंद जी, विचार कर विचार कर विचार कर, कितनी बार, 245 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, विचार कर। स्वयं विचार नहीं किया, ऊपर ऊपर से रट लिया, इसलिए हुआ है ऐसा। विचार कर ले तो हो जाएगा, सारा खेल विचार कर। एक ही बात में सब भरा हुआ है, अगर वो विचार ले। अक्षर अष्ट प्रवचन मात्रिका ऐसे लिखा है धवला में, अक्षर मात्र श्रुतक ज्ञान भी सम्यक हो जाए तो केवल ज्ञान को बुला लेता है। विचार करके निर्णय करने की जरूरत है, ईमानदारी से वैज्ञानिक ढंग से समझने की जरूरत है। इसलिए ज्ञान को शांति से निर्मल दिखाने के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, पुरस्कार के लिए नहीं, भेद विज्ञान। मैंने सुबह कहा था ना, हमें गुरुदेव दृष्टि देकर गए हैं, भेद विज्ञान आत्मानुभूति, ये हमारा कुतुबनुमा है, इस दृष्टिकोण से पढ़ना है। दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए, उस भावना से समझकर ईमानदारी से यदि पढ़े,
ऐसे देखो प्रवचन सार में गाथा है स्वाध्याय की 86 नंबर की गाथा है, और उसमें और आगे पीछे और चरणानुयोग सूचक चूलिका जाओ बार बार देखो, 10 दफे लिखा कुछ नहीं, एक ही काम करना है, स्वाध्याय करो। आगम चेठा तदो जेठा, कैसे भी करके स्वाध्याय करते रहने से, ईमानदारी से बात को समझते रहने से सारी बातें समझ में आती है। इसलिए स्वाध्याय किया जाए, स्वपर के स्वरूप को समझा जाए, ईमानदारी से समझा जाए, तो आत्महित किया जा सकता है। समय बहुत कम है, दुर्लभ है, कीमती है, भव भव में सब काम किए हैं और अब मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा सब अंदर से जमाओ। यहाँ से आज प्रतिज्ञा करके जाना है सबको खूब। दिवाली तो ज्ञान का पर्व है, मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है दीपावली पर, 1 पेज का है, भेज दूंगा उर्विस को, दे आपको ग्रुप में दे देगा। दीपावली तो ज्ञान का प्रतीक है वो तो, और ये दीपक कुछ नहीं है, पुराने जमाने में प्रतीक हुआ करते थे, प्रतीकों की भाषा, ये प्रकाश है, ये ज्ञान का पर्व है। इसलिए ज्ञान को महत्व देना हमको आना चाहिए। अगर हम ज्ञान को महत्व देना सीख गए और स्वाध्याय का महत्व हमको समझ में आ गया तो हमारा आत्महित संभव है, वरना ये जीवन चला जाता है तेजी से। इसलिए हम सब स्वाध्याय की भावना बढ़ाएं, अपने ज्ञान को निर्मल करें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अभी की अपनी बात पूरी करता हूँ। प्रश्नोत्तर करना थे ना, जैसा करना हो बोलो। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास आए। हाँ नहीं, मैंने इसलिए पूरा किया कि अब समय है प्रश्नोत्तर का, और मेरे पास बहुत प्रश्न आए रखे हैं और मैं अभी तक ले नहीं सका, तो आप कहो तो थोड़ी देर 15 मिनट जिनको जाना हो वो जाओ आराम से, जिनको जाना हो ना वो आराम से जाओ, पर जिनने कुछ प्रश्नोत्तर, मैं थोड़ी देर 15 मिनट यहीं बैठा हूँ अभी। आप जाकर क्या करेंगे बाहर, भाई सब की इतनी रोचक सही है और जो आपके प्रश्न है उसको नए वैज्ञानिक तरीके से भाई सब बताएंगे, इसलिए सभी लोग बैठे हैं 10-15 मिनट। हाँ जी, प्रश्न मंच शुरू होता है। देखो एक प्रश्न आया है, मैं एक एक प्रश्न आपको पढ़ता हूँ और उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। एक प्रश्न आया है कि आपने कल कहा था कि गाथा पढ़ने की भी कोई विधि होती है और हमको उस विधि से गाथा पढ़ना चाहिए, तो आप वो विधि बता दो। गाथा पढ़ने की विधि हमारे जैन शास्त्रों में ही मिलती है। हमारे आचार्यों ने छंद क्या होते हैं, छंद कैसे पढ़े जाते हैं, संस्कृत छंदों पर अलग किताबें लिखी है, हिंदी छंदों पर अलग किताबें लिखी है और प्राकृत छंदों पर अलग किताब लिखी है। प्राकृत के छंदों पर एक बहुत सुंदर किताब पाई जाती है, उसका नाम है प्राकृत पैंगलम। इतनी मोटी किताब है 1000 पेज की और उसमें कम से कम 1000 छंदों का वर्णन है। कितने सारे छंद हैं और कैसे कैसे पढ़े जाते हैं। तो गाथा, ये जो समय सार में जितनी लिखी है, कुंद कुंदाचार्य ने जितनी लिखी है, ये जो अभी हम आदि इदम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा छंद है? गाथा। संस्कृत में इसी को आर्या कहते हैं, प्राकृत में इसको गाथा कहते हैं, गाहा भी कह देते हैं, गाहा बोलो या गाथा।
तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है? हमारे आचार्य ने कहा, पढ़मम तु हंस पयम बी ए सी हस विक्कमम जादा तीजे गयवर लुलियम चौथरम ऐवरम होई। क्या मतलब हुआ इसका? कि गाथा के चार चरण होते हैं। पहला चरण हंस की चाल से पढ़ना चाहिए, दूसरा चरण सिंह की चाल से पढ़ना चाहिए, तीसरा चरण हाथी की चाल से पढ़ना चाहिए और चौथा चरण सर्प की चाल से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए वो भी खुलासा किया उन्होंने कि देखो जैसे कैसे पढ़ना चाहिए। पहला चरण हंस की, वंदितु सव सिद्धे, क्या हो रहा है ये हंस की चाल है, ये वंदितु सव सिद्धे धुव मचल मणोबम गदिम पत्ते, ये क्या है? ये सिंह की चाल है। वंदितु सव सिद्धे धुव मचल मणोबम गदिम पत्ते वो छामि समय पाहुड़, ये हाथी की चाल आ गई। मिण मोसुद केवली भणिदम, ये सांप की चाल आ गई। सर्प की चाल क्यों कहा इसको? वहां लिखा है कि सर्प बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले लेकिन जब बिल में आएगा तो सीधा घुस जाएगा। ऐसे ही आप जब चौथा चरण पढ़ो तो आपका उपयोग सीधा आत्मा में जाना चाहिए, आत्मानुभूति होनी चाहिए। हर गाथा के बाद आत्मानुभूति होनी चाहिए। पहला चरण हंस की चाल, दूसरा चरण सिंह की चाल, तीसरा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, सब शास्त्र में लिखा। पहला चरण हंस की चाल से पढ़ो, दूसरा चरण सिंह की चाल में पढ़ो, तीसरा चरण हाथी की चाल से पढ़ो और चौथा चरण सर्प की चाल से पढ़ो। और सर्प की चाल से इसलिए कि ये जो बाहर रहते हो ना तुम, सो कभी बंबई भाग रहे हो, कभी अहमदाबाद, कभी भोजनालय में, कभी कहाँ, तो बोले ये सब एड़ा टेढ़ा है, लेकिन जब गाथा पूरी हुई तो हमारा उपयोग कहाँ जाना चाहिए? वंदितु सव सिद्धे धुव मचल मणोबम गदिम पत्ते वो छामि समय पाहुड़ मीण मोसुद केवली भणिदम, गया बिल में। हो गया तो एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि आपने एक वाग दीक्षा शब्द बोला कल कि हर साधु को भी उपदेश देने का अधिकार नहीं है, तो वो क्या बोला था? कुछ स्पष्टीकरण करने को बोल रहे हैं। देखो हम ऐसा समझते हैं कि उपदेश तो मुनि महाराज तो सब दे ही सकते हैं कम से कम, पर ऐसा नहीं है। मुनि राज को हमारे यहाँ साधु कहते हैं। साधु माने जो साधना करे। एक श्लोक है साधु के लिए, ये व्याख्यान्ति न शास्त्रम ददाति दीक्षादिकम च शिष्याणाम ज्ञान ध्यान रतास्तेत्र साधवोत्र गेया। के जो कुछ जो शास्त्र नहीं पढ़ाते, प्रवचन नहीं करते, कुछ नहीं करते, 24 घंटे एक अपने निज भगवान शुद्धात्मा की आराधना साधना जो करते हैं वो साधु है। साधु दीक्षा देने का मतलब है आपको केवल आत्महित की साधना करनी है। ये शास्त्र का स्पेशल निर्देश है,
कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर नहीं दे सकते, कुछ पढ़ा नहीं सकते, प्रवचन नहीं कर सकते। तो प्रवचन कब कर सकते हैं? तो आप पढ़ो मूलाचार, उसमें लिखा है कि आचार्य उनको काफी दिन तक ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाए और उनको लगे कि अब ये प्रवचन कर सकता है, तो जैसे दीक्षा का एक कार्यक्रम होता है, जैसे मुनि दीक्षा दी जाती है, ऐसे ही पहले एक सिस्टम चलता था, उस सिस्टम को कहते थे वाग दीक्षा। इस पर एक किताब भी है हमारे कुंद कुंद भारती से छपी है, वाग दीक्षा उसका नाम है। वाग दीक्षा माने वचन बोलने का अब अधिकार अब मिला, आज के पहले वचन बोल, क्योंकि वचन बोलना आसान काम नहीं है, बहुत खतरनाक है। कार चलाना, बिना लाइसेंस के कार चलाते हो? नहीं चलाते ना, ना तो आप चलाते, और चलाओ तो चलाने नहीं देते हो। लेकिन ये लोगों ने जबान संभाल, चलाना इतना आसान समझ रखा है, कार चलाना कुछ खतरनाक नहीं है, जबान चलाना बहुत खतरनाक है। एक आदमी कुछ गलत बोलता है कि पूरी समाज पर आपत्ति आ जाती है, पूरे संघ पर आपत्ति आ जाती है। ऐसा लिखा है कि कभी ग्राम, जनपद, राज्य, अन्य धर्म, इनके विरुद्ध नहीं बोलना, और साधुओं को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, और ऐसा लिखा है आचार्य को कहा है कि यदि कोई बोल दे तुम्हारा संघ का साधु तो उसे पारंचिक प्रायश्चित देना। पारंचिक प्रायश्चित माने नगर के बाहर निकालना, कितने बड़े। तो उपदेश देना सही है, हम तो बोलेंगे नहीं नहीं सही भी नहीं बोल सकते आप, सत्यमपि विपदे, रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा है, सत्य बोलोगे विपत्ति आ जाएगी, पूरी समाज पर गलती एक करता है। मगर इसलिए वाग दीक्षा की व्यवस्था थी। अब आप सोचो, ये तो मैंने खुलासा नहीं किया, कल आपने पूछ लिया, जब मुनि महाराज को भी ऐसे ही कुछ किसी का परहित करने का अधिकार नहीं दिया, तो हम और आप किस पेड़ के पत्ते हैं? किस खेत की मूली मत बोलना कभी, मूली फूली अपन खाते नहीं, क्यों बोलना है कि नहीं, अपन किस पेड़ के पत्ते भैया? तो इसलिए ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? बहुत सोच, पर हित का काम करने वालों को करने दो, जिसकी भली होनहार होगी वो हमें देख के समझ जाएगा। अब मैं देवलाली आया हूँ, मेरे बच्चे समझ सकते हैं ना दिवाली कैसे मनाई जाती है, वो मुझे देख के भी तो समझ सकते हैं कि मुझे लड़ना जरूरी है। नहीं एक बात, अरे हम, मैं रात में भोजन नहीं करता, क्या इससे समझ में नहीं आ रहा कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए? बोलना जरूरी है, बिना बोले जो उपदेश दिया जाए सर्वोत्कृष्ट उपदेश तो वो होता है, और ले ले बिना बोले वही पात्र है, सुपात्र है, आसन भव्य तो वो है जिसे एक बार के बाद दोबारा बोलना पड़े, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। तो इसलिए ये बात हो गई। एक प्रश्न ये आया है कि वो अमिताभ बच्चन वाली क्या बात है, ये घटना आपको आज पता चली है, ये घटना सन 2013 की है, ये घटना सन 2013 की है। एक दिन कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछा कि भैया हमारे देश का नाम भारतवर्ष किस भरत के नाम पर पड़ा है, और चार ऑप्शन दे रखे थे,
कि राम का भाई भरत था, कि दुष्यंत पर चार नाम दे रखे थे, ऋषभ देव का पुत्र भी था, लेकिन वो टिक नहीं हुआ। ऋषभ देव का पुत्र टिक नहीं हुआ और दुष्यंत शकुंतला का बेटा भरत, उसको सही उत्तर बताया। इत्तिफाक से मैं देख रहा था उस दिन, तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। उस समय कुंदकुंद भारती में आचार्य विद्यानंद जी थे और मैंने सुबह उठ करके जा करके उनको बताया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रश्न है। बोले ठहरो, अभी चिंता मत करो, वो तो बहुत विशेष विलक्षण प्रतिभा के धनी, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व, बहुत ज्ञानी। तो बोले रुको, अभी कुछ करते हैं। और मेरे से कहा एक लेटर लिखो, एक बढ़िया। हमने दो दिन लगा के लेटर लिखा। एक माननीय अमिताभ बच्चन जी, आप बहुत विद्वान हो, बहुत अच्छा ज्ञान का प्रचार प्रसार, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, सब ऐसे ऐसे करके लिखा। और आपका ये कार्यक्रम अच्छा है, फलाना ढिकाना जो कुछ लिखना था वो लिखा, लिखा के कहा। लेकिन आपके बहाने कोई एक इतनी बड़ी सूचना जनता में गलत जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये सही सूचना जानी चाहिए। और हमने उनको 50 पेज का मैटर लेटर के साथ लगाया कि देखो इतने इतने ग्रंथों में लिखा है, हिंदुओं के 18 पुराणों में लिखा है कि ऋषभ देव के पुत्र, जैन ग्रंथों में तो लिखा ही है, मेरी इस किताब में भी वो पहला चैप्टर भरत का भारत ही है, इस कितने ग्रंथों में ये लिखा है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। हमने वो भेज दिया उनको। और भेजने के बाद में हमने ये सोचा कि कौन ध्यान देगा, ऐसे हमारे मन में था। लेकिन हमने सोचा लिख, अपने को तो अपना काम करना है, अपना काम अपन को करो, वो ध्यान दें या नहीं दें। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तुम हमने कहा अपन तो एक उछालेंगे, जो होगी देखी जाएगी। और हमने तो प्रतीक्षा का एड्रेस लिख करके भेज दिया उनका। वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद भी थोड़े दिन हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ, मिला नहीं। और हमने उसमें ये लिखा, आप हमारी बात हमारे कहने से नहीं मानना, आप और विद्वानों से चर्चा करो, ये सब प्रमाण देखो। लेकिन ये बिल्कुल हस्तामलक वत साफ बात है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए आप इसको ठीक कर दो तो बहुत अच्छा है। ऐसे हमने लिख दिया। और कभी कुंदकुंद भारती पधारो, हम आपका स्वागत करेंगे, वो जो फॉर्मेलिटी की बातें होती है वो भी सब लिखी, लिख दी। अब फिर उसके बाद में एक महीना बीत गया, सवा डेढ़ महीना करीब बीत गया, डेढ़ दो महीने बीत गए होंगे करीब करीब। और दो महीने बाद वो सेट पर ही ये बात बोलते हैं कि थोड़े दिन पहले एक प्रश्न आया था और मैंने उसका ये उत्तर सही किया था, लेकिन हमारा लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है, हमने और विद्वानों से भी चर्चा की है और हमने ये समझा है कि सही उत्तर इसका ये है कि हमारे देश का नाम भारत ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही पड़ा है, वही सबसे प्राचीन भरत हुए हैं, और तो बाद में हुए हैं। ऐसे उन्होंने सेट पर ही ये बात बोली। हालांकि फिर बोला कि देखो वो जो आंसर दे दिया, अब उस हम रिजल्ट को छेड़छाड़ नहीं करते। और दूसरी बात ये सुन लो कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो सब कंप्यूटर में उत्तर ये जो हमारी टीम फीड करके देती है वो करता हूँ मैं। आप लोग मुझे मत समझो कि मैं ज्ञानी आदमी हूँ, वो तो जो कंप्यूटर बोलता है वही सही हो जाता है।
पर ये बात हमको अच्छी लगी तो हमने सोचा आपको बता दी जाए, और ऐसे उन्होंने बताई, ऐसे ऐसे ये सब घटना तब की है, तो वो सब ठीक हुई। ठीक है, और कोई सामान्य बातें हैं बहुत सारी, लेकिन समय हो गया। इस बारे में